लोकसभा चुनाव 2019 में क्या होगा, रासिलक पर किसका हक होगा, इन सभी सवालों के जवाब तो 23 मई को ही मिलेंगे। पर शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब मोदी को देश का पीएम बनाया जा सकता है तो राहुल को क्यों नहीं, एक बार राहुल को भी मौका देना चाहिए, क्या पता राहुल गांधी देश के लिए कुछ अच्छा करे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ है, लेकिन जैसे ही वह पीएम बने मीडिया के लोगों के साथ माँ से मिलने पहुंच जाते हैं। राज ठाकुर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अगर वे पैसा देने के लिए आते हैं तो उनसे पैसा ले लो क्योंकि वो हमें लूट चुके हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल वोट न दे और उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मिले व्यापक जनादेश को भी गवा दिया है और पिछले 5 साल केवल कांग्रेस के समय शुरू किए गई योजनाओं के नाम बदलने में निकाल दिए। राज ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हिटलर और मैं भी गुड्डी पड़वा के मौके पर मोदी मुक्त भारत की कामना करता हूं। राज ठाकुर ने कहा कि इस समय देश को सिर्फ दो चीजों से खतरा है, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह से। अगर हम इंटरनेट पर देखें तो हमारे पीएम का नाम फेकू के नाम से आता है। राज ठाकुर ने अमेरिका के एक बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के बेड़े में शामिल सिर्फ F-16 विमान का हिसाब है, जबकि भारत सरकार का दावा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था। राज ठाकुर ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे क्यों बोला, उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। राज ठाकुर ने पुलवामा हमले को लेकर भी मोदी पर वार किया, उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमला कैसे हुआ, सीमाओं पर सेना तैनात है फिर भी RDX कहां से आया, मैं मोदी से पूछता हूं कि यह विस्फोट भारत में हुआ तो हुआ कैसे। अमित शाह ने कहा कि 250 आतंकी मारे गए थे, क्या वह एयर स्ट्राइक के दौरान सह पायलट थे, वायुसेना के पास आंकड़े नहीं है तो बीजेपी को स्टिक आंकड़े कैसे मिले। SPN 9 न्यूज से आंचल की रिपोर्ट।